नमस्कार दोस्तों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका स्वागत है। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मैं आपको बहुत गूढ़ ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूं चाणक्य के नीति शास्त्र से। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर जीवन में लगातार आपको ठोकरें मिल रही हैं, हर जगह से आपको निराशा और हताशा हाथ लग रही है, तो कुछ बातों को आपको ठीक करना होगा। अगर यहाँ से ये बातें आपके समझ में आ गईं, तो जीवन में ठोकरें लगना खत्म तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ, बहुत कम हो जाएंगी। सबसे पहली बात जो कौटिल्य कहते हैं वो ये कि आपको असफल इंसानों से सीखना चाहिए। सफल लोगों से ज़्यादा असफल लोगों से सीखा जा सकता है। कौटिल्य कहते हैं कि सक्सेसफुल इंसान भी असफल इंसान की गलतियों से ही सीखते हैं। जीवन में कैसे बनना है यह हर कोई बताता है, लेकिन कैसे नहीं बनना यह कोई नहीं बताता। जो लोग जीवन में कुछ नहीं कर सके, उनसे सीखिए कि उन्होंने क्या किया कि वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सके। कहा भी गया है कि अगर हम अपनी ही गलतियों से सीखते रहेंगे तो सीखने के लिए जीवन छोटा पड़ेगा। तो बेहतर है कि दूसरों की गलतियों से सीखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसके लिए एक बढ़िया तरीका मैं आपको सुझाता हूँ, जो मैं अपनाता हूँ, वो है लोगों की ऑटोबायोग्राफी और जीवनी पढ़ना। तो बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज ऐसी किताबें होती हैं जिनमें आप सफल लोगों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं और पता चलता है कि इन्होंने कितनी गलतियां की। मतलब गलतियों के पिटारे पर, गलतियों के भंडार पर खड़े होकर के जब हम उनको देखते हैं, तब पता चलता है कि वो शिखर पर है। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे आपने कभी फल का ढेर देखा हो तो फल विक्रेता सबसे ऊपर सबसे अच्छे फलों को रखता है, लेकिन उस सबसे अच्छे फल को ऊपर तक पहुँचने के लिए नीचे जो ढेर है उसमें आपको बहुत सारे खराब फल मिलेंगे। मतलब जीवन की असफलताएं आपको शिखर तक पहुंचने में मदद करती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कौटिल्य कहते हैं कि जब कभी आपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है तो ध्यान न भटकने दें, यानी फोकस रहें। कौटिल्य का कहना है कि हमेशा लक्ष्य पर फोकस रहें। दुश्मन हमें किसी भी मोड़ पर मिल सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा भटकाने वाला विचार। लोग इसी की वजह से सफलता की राह से भटक जाते हैं। हमारा दिमाग जो लगातार काम करता रहता है और हमेशा हमें इनपुट देता रहता है, अगर आप इसे नकारात्मक विचारों से फीड करेंगे तो ये आपको नकारात्मक सलाह देगा। और ये जो आपका दिमाग है, जो एक कमाल की मशीन है, लेकिन इसमें जब भटकाव आता है तो ये हमें लक्ष्य से भटकाता है। फोकस रहना और लगातार पॉजिटिव रहना, लगातार मोटिवेटेड रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है ठोकरें खाने से बचने के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, शरीर को कष्ट दें। कौटिल्य कहते हैं कि सफल होना है तो स्वादिष्ट भोजन और चैन की नींद से दूर रहना होगा। ये क्षणिक सुख आपको सफल नहीं होने देंगे। शरीर को इतना आराम तलब मत बनाइए कि जब आप सफलता की राह में चलने के लिए खड़े हों तो आपके पैर में दर्द होने लगे, क्योंकि सफलता के रास्ते में कष्ट होते हैं। शरीर आराम का आदि हो जाता है तो ये लगातार आपको भटकाएगा और सफलता की राह में आप ठोकरें खाते रहेंगे। इसे हम आम बोलचाल में कहते हैं कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कहा गया है कि सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुत सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ मिलती है और ज्ञान चाहने वाले को सुख कहाँ। तो सुख चाहने वाले को ज्ञान का त्याग कर देना चाहिए और वैसे ही ज्ञान चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। चौथी और महत्वपूर्ण बात, कौटिल्य कहते हैं कि जितना जरूरत हो उतना बोलें। कम बोलने से आपकी बात में वजन आता है। जो कम बोलते हैं, यानी जितना ज़रूरत हो उतना बोलते हैं, उनकी बातों को लोग सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। अगर आप शांत होकर सामने वाले की बात सुनते हैं तो हमेशा सामने वाला अच्छा महसूस करता है और आपके रिलेशन भी मजबूत होते हैं। बोलने से पहले यह ज़रूर सोचें कि जो कुछ भी आप बोलने जा रहे हैं, क्या वो बोलना ज़रूरी है या बिना बोले ही आपका काम चल जाएगा। वसीम बरेलवी साहब ने कहीं लिखा है कि ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, या फिर ऐसी बात करें जो खामोशी से बेहतर है। आचार्य कौटिल्य की ये सीखें आपके जीवन के सफलता मार्ग को प्रशस्त करें और जीवन में कम से कम ठोकरें आप खाएं। इसीलिए मैं लेकर आता हूं हर संडे 7 बजे मोटिवेशन मंत्रा। कमेंट बॉक्स में बताइए हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोटिवेटेड रहिए, स्वस्थ रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद।